हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बारिश हो चुकी है, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है आज, ठीक है। 31 मई है आज। वीडियो डालने का कोई मूड नहीं था, ठीक है, मगर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो डाल ही लेते हैं जब इतना अच्छा मौसम हो रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है सब धो के रख दिया था, ठीक है, कि जिससे कि अब मैं इनको अंदर रख दूँगा, मगर मुझे लगता है आज इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ ये बेचारे सारे बेजुबान पक्षी, और ये इधर भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज लगता है शायद इन्हें मिल पाएगा, और मैं इन्हें खिलाता हूँ तो ही ये खा पाते हैं, ठीक है। आपको जैसे पता है कि रोडों पे भी लोग डाल नहीं रहे हैं, तो चलिए इनके लिए भी डाल देंगे, मगर बारिश की वजह से आ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज एक छोटी सी वीडियो बना ही लेते हैं, और इतना अच्छा मौसम जब हो रहा हो, ये देखिए, है ना, तो क्यों ना बनाई जाए वीडियो। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के साथ, ठीक है। तो दोस्तों, बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, मगर आज अंदर ही दाना पानी करेंगे, ठीक है। और सारे बैठे हुए हैं वहाँ पे, जंगली जो है, और ये अपना लॉफ्ट, ठीक है, एक जरद है चोटीदार पट्टा, और ये भी अपना पट्टा कोका कोला, बड़े टाइम बाद आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके पर मैंने तीन कुंटे लास्ट काटे, आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए अपना, इसकी छोटी सी एक स्टोरी है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या स्टोरी है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसकी एक मतलब पुरानी स्टोरी है, जब से पैदा हुआ तब से इसकी एक स्टोरी है, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और ये वही बच्चा है दोस्तों जो गिर गया था, ठीक है, नीचे गिर गया था, अब बिल्कुल ठीक है, फिट है एकदम, सब कुछ है, ठीक है। मगर मैंने इसके लास्ट के तीन कुंदे काट दिए। अब आप ये सोचोगे कि मैंने तीन कुंदे काटे क्यों हैं, तो उसके लिए उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और इसके अंदर अपने वो वाले पट्टे हैं, हरीश भाई वाले, ठीक है, तो वो तो मैं 10K होने के बाद ही रिवील करूँगा, ठीक है, छुपा दिया मैंने इसलिए। और ये अपना पट्टा, और अपना ये, बाकी सब अंदर है, तो खोल लेता हूँ इनको, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये सब खाली कर दिया, ठीक है, बस अब साफ सफाई करनी बाकी है, ये सब खाली कर दिया, कोई जोड़ेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके अंदर जो अंडे पड़े हैं वो नकली हैं दोस्तों, दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये नकली अंडे हैं, ठीक है, ये नकली अंडे हैं, ये सब निकाल के ये सब खत्म कर दिया है, ब्रीडिंग सेटअप खत्म कर दिया है, ठीक है। अब अगले साल अगर मन किया तो कर लेंगे, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और लोटा भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बारिश आप देख सकते हैं सामने, अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा है। तो अभी खोल दिया है, थोड़ी भवस भी होती है थोड़ी सी धूप की, तो गर्मी की, तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ठंडा ठंडा, ठीक है। तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा मैं, कोको कोला के ऊपर, तो कहानी क्या है मैं आपको बताऊँगा, मगर आप देखिएगा, अभी 2-3 दिन में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और ब्रीडिंग सब खत्म कर दिए, अभी दाना पानी करेंगे तो वीडियो बना के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सुनते हैं दोस्तों, अभी रख देते हैं, जाने मन जाने जिगर को भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी मेरा बहुत बड़ा पट्टा, और ये देखिए, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये दोनों पट्टे कैसे लगे। और अब ये दो ही बचे हैं बस, इनको भी धीरे धीरे अंदर कर दूंगा मैं, ठीक है ना, ये देख लीजिए, पास से देख लीजिए, वाह जी वाह, मज़ा आ गया, है ना, मज़ा तो मुझे तो मज़ा आ गया, बाकी आपको पता नहीं। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसा है कि मैं खिला रहा हूँ,
मगर चक्कर क्या है कि मैं सारे बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है। मेरे पास छोटा सा लॉफ्ट है तो इसमें नर मादिन में जो है अलग अलग रहने दूंगा, ठीक है। ये मेरा वो पंचर लगाने वाला होता है, यहाँ करा हुआ था तो मैंने इसमें ये फिक्स करने के लिए लगा था, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जो हमारे पास जो जितने भी नर हैं, ठीक है ना, वो कम है, ठीक है। वो अपना हीरो रंडवा इसकी शादी नहीं होने वाली है अब शायद, ये बस उड़ने के लिए। और दोस्तों इसकी भी स्टोरी है, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हर कबूतर की, जितने भी यहाँ कबूतर है ना, क्योंकि मैंने एक जगह से तो लिए नहीं है, मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं, और मेरे हर कबूतर की कुछ स्टोरी है, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ना एक वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसमें मैं हर कबूतर के बारे में बताऊँ कि मैं कहाँ से लाया, कितने का लाया, और क्या स्टोरी थी उसके पीछे, क्योंकि इन सब कबूतरों के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। वो जो लाल देख रहे हैं उसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये तो मेरे घर का पट्टा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं सबस, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और इसके पीछे तो बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। और मैं जब बताऊंगा ना तो आपको शायद मज़ा आएगा, क्योंकि आसानी से नहीं लिए हैं ये मैंने, और किससे लिए हैं ये भी बताऊंगा। और जब मेरा मादिन है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मादिने बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लूँगा यहाँ पे इधर, और इनको अंदर ही दाना खिलाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, और इन सब ये जो पट्टे हैं इनकी स्टोरी तो थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो मेरे जो मैं लेकर आया हूँ ना उन सबकी स्टोरी, जैसे उस जरत की भी स्टोरी है, चोटीदार की, इसकी भी स्टोरी है, सबकी एक स्टोरी है, ठीक है ना। स्टोरी का मीन्स मतलब कि ये कबूतर मैं कैसे लाया, क्या क्या मुझे दिक्कतों का हुआ, कितने पैसे लगे मेरे, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं स्टोरी वाला वीडियो बनाऊँ या नहीं। अरे ये घुस गया पीछे, ठीक है ना। तो आप ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट में कि मैं ऐसी स्टोरी वाली वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, कि सबके कबूतरों के बारे में बताऊँ। और दोस्तों एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ, अभी थोड़ा बारिश होगी और मेरे पास कबूतरों को ले जाने का भी कोई साधन नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अब वीडियो तो लंबी होने वाली है, चाय पकौड़े लेके बैठ जाना भाई, वरना कोई बात नहीं, मत देखना भी ज़्यादा, कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये तो कहूँगा नहीं ज़बरदस्ती भाई, देखो तो भाई, ये देखो ये सब कबूतर है ना, पहले मैं इनको एक काम करता हूँ, दाना खिलाता हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी सी और बातें करता हूँ, है ना। तो भाई ये जो है अपनी ट्रे, ठीक है, ट्रे को खोल लेते हैं, उठा लेते हैं ट्रे को, ठीक है। और अब नरों को खिलाना है, सिर्फ नर को खिलाएंगे इस ट्रे में, तो अंदर खिलाना है तो इसलिए, ठीक है। तो ये एक डब्बी है ना, ये एक डब्बी, ये 100 ग्राम की डब्बी है, ठीक है। तो ये और आधी और थोड़ी सी डाल देते हैं, ठीक है। ये मैं अपने नरों को खिला देता हूँ, ठीक है, सिंपली ऐसे बंद कर देता हूँ। इसे अंदर ऐसे डाल दूंगा और अपना मस्त से खाते रहेंगे बस, ये लो जी बस। अभी देखो थोड़ी देर में लपेट देंगे, ठीक है, अभी खा लेंगे, बहुत टाइम बाद अंदर खिला रहा हूँ मैं तो बहुत प्रेशर। तो भाई ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि सीधा बाहर भागेंगे, आदत है ना, आदत है तो आदत है, बंद कर लिया, अपना मस्त अंदर है, ठीक है। और अपनी श्री देवियों को खोल लेते हैं, चलो भाई आ जाओ, ठीक है। और उनके लिए भाई दूसरी ट्रे रखेंगे, यहाँ पे शायद दो भी रख सकते हैं, ठीक है। ये भाई ट्रे रख लेंगे, ये भाई मैं चौक से लेकर आया था, 150 रुपये की लाया था तब, ठीक है। भाई ये डाल देता हूँ, ठीक है, एक वहाँ रख देता हूँ, खा लेंगे अपना मस्त से। गेट बंद कर देता हूँ, आदत है ना, थोड़ा सा पीछे कर, ठीक है भाई। वीडियो तो भाई 10 मिनट से पड़ जाएगी आज। तो ये है भाई अपना, ठीक है, अभी खा लेंगे मस्त से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, मैं ये बना रहा था कि जैसे बहुत से ना मुझे दोस्त जो है मुझसे ये बोलते हैं, अरे भाई लड़के रहे हो, मुझसे बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई हमें हुमर्स दिला दो,
तो पहले तो भाई मैं सेल पर्सन का काम ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो भाई वो हुमर्स के बारे में बड़ी डिस्कशन होता है, ठीक है ना, कि हुमर्स कबूतर जो है दूर दूर से फासला तय करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं बहुत जल्द ना इन पटियाले कबूतरों की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम ए क्लास की वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं इनको दूर दूर से छोड़ूंगा, ठीक है भाई, और कैसे कैसे मैं हुमर्स इनको हुमर्स की ट्रेनिंग दूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मगर अब जैसे बारिश बारिश कम हो जाए, थोड़ा गर्मी भी कम हो जाए, अभी झाड़ का मौसम चल रहा है एक तो, है ना, क्योंकि पर कम होंगे तो वापसी ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इन पटियाले कबूतरों को घर के पट्टों को ही उड़ा के दिखाऊंगा और दूर दूर से भेज के दिखाऊंगा और किलोमीटर्स भी दिखाऊंगा कि आपको कितने कितने किलोमीटर्स में मैं इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो स्टोरी की वीडियो में बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि हर कबूतर की मेरी एक स्टोरी है, ठीक है। आपको वो देख रहे हो ये वाला काला नली मोच, इसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है अपने कुछ कबूतर, जैसे आप देख रहे हैं आज दाना वाना खाते हुए दिखा रहे हैं आपको, और अंदर भी हो गए हैं भाई, अंदर भी खा रहे हैं खाना, ठीक है ना। वहाँ अंदर भी देखो थोड़ी बहुत लड़ाई भी चल रही है, कह रहे हैं अरे भाई हमारी माँ दिन बाहर बैठी है, ठीक है। तो ये अपना खा रहे हैं दाना वाना भाई बढ़िया से, तो एक ही टाइम दाना खिलाता हूँ भाई, है ना। तो ये जो नली मोच देख रहे हैं इसकी भी एक स्टोरी है, तो बताऊंगा, एक काम करूंगा कि धीरे धीरे सबकी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं कबूतर लाया हूँ या फिर कैसे निकले हैं या मेरे घर के बच्चे हैं कैसे निकाले हैं, ठीक है ना, वो सब बताऊंगा, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी है। तो जल्दी हम करेंगे वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो सब चले गए, खाली हो गए यहाँ से, एक अंडा पड़ा है, पहले ही गिरकर मैं हटाता नहीं हूँ, अंडा फिर दोबारा जोड़ेबाजी में लग जाते हैं ना, तो इसीलिए। तो ये देख लीजिए, ठीक है ना भाई, तो अभी खाने देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो है वीडियो बनाता हूँ जब भी पूरा खा लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे, ठीक है ना, आपको बाहर लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आपको दाना पानी क्या खिलाता हो, आप अपने कबूतरों को भी देखते हैं दाना पानी खिलाते हुए, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मन नहीं था सच बता रहा हूँ अभी भी, बस बना दिए, ठीक है ना। तो वो देख सकते हैं वहाँ पे भी बेचारे बैठे हुए, ठीक है ना। तो अब कुछ मैं इसमें अब कुछ कर नहीं सकता, अगर कुछ कर सकता होता तो मैं ज़रूर करता, है ना, ये तो नेचर है। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और बहुत जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। मैंने अपने वीडियो बना रखी है, काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, तो जल्दी आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है ना दोस्तों। अभी क्या चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।